हेलो गुड मॉर्निंग वेलकम टू डेली करेंट अफेयर न्यूज़पेपर तो आज है आपका वेडनसडे और है तेरह अप्रैल 2024 तो देखिए शुरू करते हैं अपने पहले न्यूज़ से तो देखिए ये हमारा जो आर्टिकल है इसमें देखिए क्या कह रहा प्राइस राइस है प्राइस राइज डोमिनेट द कंसर्न ऑफ दिल्ली अर्बन पुअर पुअ देखिए एक सर्वे कराया गया है लोक नीति सी डी के द्वारा ठीक है तो देखिएगा किसके द्वारा कराया गया लोक नीति सी के द्वारा एक सर्वे कराया गया ठीक है जिसमें ये बताया जा रहा है कि एक सौ चौबीस लोगों पर तो सर्वे हुई थी पहली बार ठीक है जो उस पर क्या हुआ है कि मतलब जो स्लम के लोग हैं दिल्ली में रहने वाले मतलब झोगी झोपड़ी में रहने वाले उनको कहा गया है कि उनमें से बहुत ज़्यादा लोग क्या है कि मेजोरिटी ऑफ पीपल एम्प्लॉयड है मतलब वो काम तो कर रहे हैं ठीक है थीके? लेकिन बावजूद इनके तो लाइफस्टाइल में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं ठीक है थीके? तो उनको जो फाइनेंशियल स्ट्रेन मिल रहा है वो अभी भी बरकरार है वो और भी बढ़ता जा रहा है ठीक है तो इसका कारण क्या है तीनों ने बताया है, इसका बेसिकली कारण जो यहाँ के ऑथर साहब ने बताया है, वो कह रहे हैं कि प्राइस राइज जो है इसका मेज़र कंसर्न है ठीक है कि चीज़ों के दाम बढ़ जाने का मेज़र कंसर्न है जिसके बाद क्या हो रहा है कि जैसे आप कह सकते हो कि फूड खाने के दाम बढ़ गए हैं ठीक है आजकल अनाज के दाम देखिए बढ़ गए हैं हेल्थ केयर हाउसिंग के दाम बढ़ गए हैं ठीक है थीके? जिसके कारण क्या हो रहा है कि लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं और बहुत ज़्यादा बढ़, बढ़ने के बाद क्या हुआ कि महंगाई बढ़ गई है और इनके सोशल लाइफ में या फाइनेंशियल लाइफ में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं देखने को मिल रहे हैं ठीक है थीके? अब ये डाटा आगे बात क्या करता है रिपोर्ट का तो ये कहता है कि जिसमें से एट्टी लोग क्या हैं वो अर्बन पुअर हैं ठीक है थीके? एट्टी फोर परसेंट अर्बन पुअर जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं उनके पास जो है इन सफिशेंट ऑफ इनकम है कि जो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं ठीक है ठीके? जिसके कारण क्या होता है कि हाफ़ ऑफ देम को क्योंकि देखा जा रहा है कि इनमें से आधे से ज़्यादा लोगों में से क्या हुआ है कि दो साल से इनके इनके लाइफस्टाइल में फाइनेंशियली लाइफस्टाइल में कोई भी चेंजेस नहीं आए कोई भी इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिला है दिल्ली के अरबन पुअर में ठीक है अब आगे बात करता है कि ये स्टडी जो है ये क्या है स्टडी दर्शाता है कि प्राइस राइज पहला कंसर्न हो गया ठीक है दूसरा क्या हो गया अनएम्प्लॉयमेंट जो कि एक बहुत बड़ा मुद्दा हो गया ठीक है तीसरा अब ये दोनों मुद्दे को लेकर के क्या कहता है कि दिल्ली जो आने वाला इलेक्शन है लोकसभा इलेक्शन 2024 उसमें कहा जा रहा है कि दिल्ली के जो वोटर हैं इस दोनों पॉइंट पर वोटिंग कर सकते हैं ठीक है लेकिन कहा जा रहा है कि इन दोनों पॉइंट को कंसर्न रखते हुए भी ऐसा देखने को मिल रहा है या मिलेगा करके कि दिल्ली के मतलब तीन में से एक लोग क्या हैं कि इन मुद्दों को जानते हुए भी इन मुद्दों पर वोट नहीं करेंगे ठीक है अब बात करते हैं ये मैं नहीं ऑथर साहब कह रहे हैं ठीक है अब बात करते हैं इनके टेबल की देखिए इन्होंने जो डाटा दिया है वो क्या कह रहा है देखिए कह रहा है कि देखिए ओपिनियन ऑफ प्राइस राइज देखिए ओपिनियन ऑफ प्राइस रेज देखिए क्या सम वर्ट और सम वर्ट एट्टी सेवन परसेंट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ प्राइस रेस है ठीक है आप कॉमेडेटिक्स की बात कर ले सामान के किसी दाम बढ़ा हुआ है तो देखिए हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी की बात कर ली जाए तो पचहत्तर परसेंट की सिग्निफिकेंट में दिखाई जा रही है राशन का सेवेंटी थ्री परसेंट है हाउस रेंट का आप देख लीजिए फिफ्टी नाइन परसेंट है बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा देखिए आपका एजुकेशन पे फिफ्टी परसेंट से ज़्यादा एजुकेशन पर इन लोग खर्चा हो रहे हैं ठीक है पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर फिफ्टी परसेंट हो रहे हैं आगे की बात कर ली जाए तो देखिए ये जो कह रहा है कि इनके लाइफ में जो इम्प्रूवमेंट आ रही है देखिए कह रहा है कि फोर्टी के लाइफ में इंप्रूवमेंट है ही नहीं और ट्वेंटी नाइन परसेंट के पास इंप्रूवमेंट है लेकिन इतना इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है ठीक है बीस परसेंट के पास थोड़ा बहुत आ रहा है और चार परसेंट के पास ही आ रहा है जो अच्छे खासे इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है चार परसेंट के पास बस ठीक है यानी ओवरऑल कहा जाए बात तो कि इम्प्रूवमेंट मेज़र सेक्शन में इंप्रूवमेंट देखने को मिल ही नहीं रहा है फाइनेंशियली ठीक है तो ये आपका जो आर्टिकल है अब ये कहता क्या है कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्राइस राइज देखिए यहाँ पर टेबल बना के दिया हुआ है पहला कह रहा है नरेंद्र मोदी सेंट्रल गवर्नमेंट को लोक जनता कहती है फोर्टी सिक्स फोर्टी फाइव परसेंट अरविंद केजरीवाल गवर्नमेंट को ट्वेंटी सिक्स परसेंट द पीपल देसल जो खुद को अपने ज़िम्मेदार मानते हैं एट परसेंट और इन्फ्लुन्सर और वो मानते हैं कि मतलब तो चीज़ों के दाम बढ़ गए हैं हर जगह इसलिए यहाँ भी दम महंगाई बढ़ गई होगी तो ये सात परसेंट लोग हैं ठीक है थीके? तो ये इतना जो डाटा है ये देख लीजिए आपका जो ये डाटा है ये जी पेपर टू में काम आ जाएगा ठीक है जिसमें सोशल जस्टिस और कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नेंस में तो काम आएगा ही आएगा ठीक है तो ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है देख लीजिएगा उसके बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल पर तो देखो ये दूसरा आर्टिकल ये आपका देखिए आर्टिकल क्या कह रहा है विल इंडिया एक्सपीरियंस मोर हीट वेब डेज दिस समर देखिए पहले तो ये जो आर्टिकल है ये आपका देखिए जी पेपर थ्री में आएगा और जी पेपर टू में भी आ सकता है ठीक है मेन्स का जी पेपर थ्री और जी पेपर टू में ठीक है अब बात करते हैं ये आर्टिकल क्या कहता है देखिए ये आर्टिकल कह रहा है कि आई जो है इंडियन मेटोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है हमारा आईएमडी वो ये अनुमान कर रहा है कि आने वाला जो समर है उसमें और ज़्यादा आपको हीट वेव देखने को मिल सकता है ठीक है यानी अभी देखिए अभी देखिए रिसेंटली में क्या हुआ जलपाईगुड़ी के पास आपका देखिएगा वेब आया हुआ है ठीक है तो ये देखने को मिल रहा है कि समर में बहुत ज़्यादा हीट वेव देखने को मिल सकता है तो ये और ये कंसर्न क्या बताया जा रहा है कि जिससे क्या होगा पावर डिमांड की स्ट्रगल होगी इलेक्ट्रिसिटी की स्ट्रगल बढ़ेगी पावर डिमांड के uh, कह सकते हो कि इंक्रीज देखने को मिलेगा पावर जनरेशन को इनक्रीज़ देखने को मिलेगा अब आगे बात करते हैं कि ये हो क्यों रहा है ठीक है तो इसके बाद जो बात करता है कि इस साल जो हो रहा है वो क्या कह रहा है कि पावर जनरेटर जो हो रही है उसमें ये कह रहा है कि वार्मर ग्लोबल टेम्परेचर जो है वो स्टिल कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारे जिसके कारण क्या हो रहा है कि वेव बढ़ेगी बहुत ज़्यादा वेव बढ़ेगी ठीक है उसके बाद जो चेंजेस हैं एक क्लाइमेट स्टडी हाईलाइट हुई थी पी एल के द्वारा हुआ किया गया था क्लाइमेट स्टडी उसमें यह देखने को मिला था कि क्लाइमेट चेंज जो है वो क्रूशियल फैक्टर है जो हीट वेव को बढ़ाने में ठीक है कैसे तो देखिए जो वर्ल्ड वाइड हीट वेव बढ़ता है वो अगर वर्ल्ड वर्ल्ड वाइड हीट वेव बढ़ा है तो अल्टीमेटली देख लीजिए कि इंडिया में भी हीट वेव का असर होगा ही होगा ठीक है तो ये अब कहा जा रहा है कि देखिए ये लो इलेक्शन टाइम है इलेक्शन टाइम को देखते हुए और उसी टाइम पे बिल्कुल देखिए कि मिड मई में, में आपका इलेक्शन है यानी बिल्कुल एग्जैक्ट समर के टाइम पे आपका इलेक्शन है तो कहा जा रहा है कि एडवाइज़ इलेक्शन कमीशन के द्वारा दिया जाना चाहिए जो कि एडवाइस देना चाहिए प्रोटेक्टिव मेज़र को जब भी आप वोट देने जाएं हीट को लेकर के कि हिट वेब इतनी जल्दी है तो उसके लिए प्रोटेक्टिव मेज़र हेल्थ रिस्क हो सकता है हीट वेव के लिए तो कई लोगों को मिले होंगे मतलब जो बड़े बुजुर्ग जाते हैं वोट देने के लिए उनको स्पेशल एडवाइस निकालना चाहिए इलेक्शन कमीशन को लेकर के ये के लिए कह रहा है ठीक है चलते हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल पर सो so, तो ये जो आर्टिकल सो so तो ये एक सेकेंड हाँ ये जो आर्टिकल है आपका देखिए ये आपका इंटरनेशनल रिलेशन पेपर टू में काम आएगा देखिए ये जो कहा जा रहा है कि इतने अभी देखिएगा इतना ज़्यादा विवाद होने के बावजूद देखा जा रहा है कि इंडिया यूएस हाई लेवल मीटिंग विजिट करने इस साल जा रही है ठीक है ठीक तो देखिए ये है क्या देखिए इस ये महीना जो है आपका अप्रैल अप्रैल में इंडिया यूएस आपका हाई लेवल विजिट होने वाला हाई लेवल विजिट होने का मतलब क्या कह रहा है कि देखिए इंडिया के जो आपके फॉरन सेक्रेटरी हैं विनय मोहन क्वात्रा ठीक है वो यूएस जा रहे हैं विजिट के लिए और मोस्ट प्रोबेबली चांस बन रहा है कि यूएस का जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है जैक स्वेलियन वो भी दिल्ली आने वाले हैं ठीक है विजिट के लिए ठीक है अब ये जो विजिट है ये कहा जा रहा है कि यू इंडिया का स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है ठीक है जिसमें क्या होगा कि आई यानी -E कह लीजिए इनिशियटिव ऑन क्रूशली इमरजेंसिंग टेक्नोलॉजी पर बात होगी ठीक है और बहुत सारे बायोलेटल इशू होंगे उसको भी मिलकर सुलझाया जाएगा ठीक है लेकिन कहा जा रहा है कि इसके अभी देखिए रिसेंटली में क्या हुआ था कि इंडिया ने बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन लगाया था स्टेटमेंट दिया था अमेरिका के ऊपर ठीक है जिसमें क्या कहा गया था कि जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट इंडिया में हो रहा है उसके लिए जैसे कि आप देखिए बेसिकली कि क्या हुआ था कि अभी हाल ही में कुछ दिन पहले और दिल्ली के जो सीएम एम है अरविंद केजरीवाल उनको अरेस्ट कर लिया गया था तो यूएसए का स्टेटमेंट आई थी ठीक है तो उसको देखते हुए क्या हुआ था कि इंडिया के जो इंडिया में जो थे वो कंसर्न बोले थे और उन्होंने स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन दिया था कि ये इंडिया का पॉलिटिकल मामला है उनको इंटरफेयर नहीं करनी चाहिए ठीक है तो जिसमें ये जो कांग्रेस पार्टी जो थी और कांग्रेस पार्टी की जो फ्रीजिंग फंडिंग की जो फ्रीडिंग फ्रीजिंग हुई थी उनकी फंडिंग की उस पर भी यू ने बहुत स्टेटमेंट दिए थे ठीक है जिनके बाद वो इंडिया ने इनको स्ट्रांग एक्सप्रेस किया था कि मतलब आप हमारे पर्सनल मिट्टी में इंटरफेयर नहीं कर सकते ठीक है और इस इसके कुछ समय पहले भी देखा जाए तो देखिए क्या हुआ था कि जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब उन्होंने क्या किया था यूएस एस को क्या किया था काउंटर किया था उन्होंने कहा था कि जो वहाँ खालिस्तानी मूवमेंट हो रहे हैं जैसे वहाँ सेपरेटिस्ट खालिस्तानी का मतलब एक हत्या मर्डर हो गई थी ठीक है जिसको गुरपंत पन्नू कहा जा रहा था कि उस मतलब ऐसा उनके मर्डर में इन्वॉल्वमेंट की मतलब इंडिया बताया जा रहा था तो उनको लेकर के भी उन्होंने क्या किया था कि काउंटर किया था ठीक है यूएस एस मिस्टर को ठीक है अब कहा जा रहा है कि देखिए इतने सारे यूएस के साथ हमारे डिस्प्यूट होने के बावजूद यूएस और इंडिया ये मानता है कि ये हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो फॉरम है वो अभी भी लागू बहुत अच्छे से स्ट्रोंग है तो वो मीटिंग करने जा रही है इस मंथ और बहुत ही हाई लेवल मीटिंग होने वाली है तो उम्मीद करते हैं कि हो सकता है कि हाई लेवल मीटिंग में जो यूएस स्टेटमेंट देता है उसके ऊपर कंसर्न जताया जाएगा उसके ऊपर यूएस को बोला जाएगा ऐसा उम्मीद करते हैं ठीक है चलते हैं हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल पर तो ये आपका आटके लिए देखिए शुगर आउटपुट बिट सीजनल एस्टिमेट देखिए ये जो आर्टिकल है आपका ये जीएस पेपर थ्री इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काम आएगा ठीक है अब ये बात करता है क्या है आर्टिकल देखिए कह रहा है कि सूर शुगर का जो प्रोडक्शन हुआ है गन्ने का जो प्रोडक्शन हुआ है वो कहा जा रहा है कि फर्स्ट सिक्स मंथ की बात कर ली जाए करेंट सीजन में यानी अक्टूबर दो तेईस से लेकर के सितंबर 2024 तक की बात कर ली जाए तो कहा जा रहा है पिछले सीजन तीन लाख टन शुगर का प्रोडक्शन हुआ था ठीक है लेकिन इस साल बढ़ गया है और बढ़कर ये देखने को मिल रहा है कि तीन लाख दो टन तीन सौ दो लाख टन देखने को मिल रहा है ठीक है सॉरी माफ़ कीजिएगा तीन सौ लाख टन पिछले साल था और इस साल तीन सौ दो लाख टन देखने को मिल रहा है ठीक है तो यानी कम से कम कहा जा रहा है कि दो लाख टन का इंक्रीजमेंट हुआ है ठीक है अब ये बात कौन कर रहा है तो देखिए बात जो है वो एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा जा रहा है इंडियन शुगर के बारे में और इंडियन सुगर एंड बायो एनर्जी मैनुफैक्चर एसोसिएशन है आई एस एम ए वो ये बात करी है देखिएगा ये पॉइंट इंडियन शुगर एंड बायो एनर्जी मैनुफैक्चर एसोसिएशन है वो इस ऑर्गेनाइजेशन ने ये बोला है कि इस साल देखने को मिलेगा इंक्रीजमेंट ठीक है अब देखिए ये जो बात है कि इसके बाद क्या हुआ है कि ऐसा माना जा रहा है कि डोमेस्टिक कंजप्शन है मतलब घरेलू जो भारत के लोग कंजप्शन करते हैं मतलब यूज़ करते हैं शुगर का वो माना जा रहा है कि लगभग दो लाख टन का कंजप्शन करते हैं यूज़ करते हैं ठीक है ठीके? और उसके बाद जो बाकी बच जाएगा वो सीज़न के एंड तक कम से कम माना जा रहा है कि 91 लाख टन यानी इक्यावन लाख टन बच जाएगा ठीक है अब ये हुआ क्या है कि सरकार जो है इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने क्या कर दिया है कि वो बैन कर दिया है शुगर को एक्सपोर्ट करने के लिए विदेश कंट्री में बाहर भेजने के लिए और साथ साथ इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए इथेनॉल और शुगर को बैन कर करके रखा है अभी तक कि वो बाहर अब विदेश में एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं ठीक है लेकिन जो आई है वो कह रहा है कि सरकार परमिशन दे क्योंकि कम से कम टेन दस लाख टन तो वो भेज ही सकते हैं क्योंकि ये क्या कह सकते हो कि प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ है तो अब कंजप्शन उतना होगा बाकी रेस्ट ऑफ बच के क्या करेगा ऑफकोर्स वो ख़राब हो जाएंगे तो वो चाहता है कि बेच दिया जाए ठीक है अब जिसमें इसमें बात कर ली जाए कि लास्ट ईयर में तो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में बहुत हाई कह सकते हैं कि आपको शुगर प्रोडक्शन देखने को मिला था ठीक है उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में याद देखिएगा सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश उसके बाद देन आफ्टर महाराष्ट्र था ठीक है तो ये रहा अब याद देखेगा आई एस एम ए क्या है तो आई एस एम ए को याद देखेगा शुगर ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कहते हैं शुगर क्या शुगर एंड बायो एनर्जी मैनुफैक्चर एसोसिएशन कहते हैं ठीक है चलते मैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पर यह आर्टिकल थ्री होती है थ्री का आर्टिकल है नेक्स्ट आर्टिकल पर तो देखो ये आर्टिकल जो है ये कह रहा है अरुणाचल प्रदेश एन इन पार्ट ऑफ इंडिया सेंटर देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने है क्या किया कंडीम किया है आपको कह सकते हो स्ट्रॉगली uh, कंडेम किया आपके चाइना के स्टेटमेंट को देखिए रिसेंटली में चाइना ने क्या किया था अरुणाचल प्रदेश के बहुत सारे जो इलाके हैं उनका नाम रिप्लेस कर दिया गया था और अपना नाम उसके जगह पे कह सकते हो कि उन्होंने अपना एक नाम लिस्ट जारी कर दिया था बहुत सारे प्लेसेस के ठीक है जिसके बाद क्या हुआ है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो विदेश मंत्रालय हैं उन्होंने क्या किया है कि एक स्टेटमेंट निकाला उन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल ही सेंसलेस एक्ट है ठीक है ये बिल्कुल ही बेवकूफ़ी वाला काम है ठीक है और आगे उन्होंने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश इज हैज़ बीन एंड विल बी द एन इंटरग्रल पार्ट ऑफ आवर इंडिया यानी अरुणाचल प्रदेश हमारा देश का हिस्सा है था रहेगा ठीक है तो ये जो है अब देखिए रिसेंटली में क्या हुआ था कि चाइना जो था नेम की रिस्प्लेसमेंट की गई थी और ये कहा जा रहा था कि जो उन्होंने अप ये अरुणाचल प्रदेश के जो जो नाम के ऑलमोस्ट ग्यारह प्लेसेस ऐसे थे जिनके नाम की चेंजेस कर दी गई थी ठीक है उसके बाद वो कह रहा था चाइना कि ये चाइना का पार्ट ऑफ मान रहा था ठीक है जिसके बाद अभी इंडिया ने एक फॉरेन मिनिस्ट्री के द्वारा ये क्या हुआ है कि एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया गया है ठीक है और ये फॉरेन मिनिस्ट्री के द्वारा दिया गया स्पोक पर्सन जो है आपका रणधीर जायसवाल जी ने दिया है ठीक है तो ये रहा ये वाला न्यूज़ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट न्यूज़ पर हाँ तो देखो ये जो आपका न्यूज़ है देखिए इंडिया रिस्किंग डेमोग्राफिक डिविडेंड ठीक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इसको ध्यान से समझना देखो तो वर्ल्ड बैंक जो है वो ये हाईलाइट करता है आपका कि साउथ एशिया और इंक्लूडिंग एशिया साउथ एशिया में इंक्लूडिंग इंडिया जो है वो क्या है बहुत ज़्यादा डेमोग्राफिक डिविडेंड देख रहा है ठीक है और इसका जो है क्या है एज अ जॉब क्रिएशन ठीक है जॉब क्रिएशन में ठीक है यानी जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है उनमें बहुत सारी जॉब क्रिएशन की कमी हो रही है ठीक है तो डेमोग्राफिक डिविडेंड देखने को मिला मतलब बहुत सारे जो लोग हैं वो जॉबलेस ग्रोथ हो रहे हैं ठीक है बहुत ज़्यादा जॉबलेस बढ़ रही है एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही एक सेकंड तो उसके बाद जो कहता क्या है कि ये देखा जा रहा है आपका कि इंडिया की जो एक इंडिया की जो एम्प्लॉयमेंट रेशियो है वो डिक्लाइन हुई है 2000 से 2022 तक को बहुत लगातार डिक्लाइन हुई है मतलब बहुत बड़े मात्रा में डिक्लाइन हुई है ठीक है और आगे बात कर ली जा रही है कि ये 2023 में भी ये देखने को मिल रहा है कि अब पार्शियली डिक्लाइन ही हो रहा है कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं देखने को मिल रहा है ठीक है ये वर्ल्ड बैंक कह रहा है ठीक है और आगे ये बात करता है कि रीजन की बात कर ली जाए तो ओवरऑल जो कह रहा है कि आउटपुट ग्रोथ है वो आपका देखिए कह रहा है कि सिक्सटीन परसेंट है इफ़ द एम्प्लॉयमेंट शेयर द वर्किंग एज पॉपुलेशन मैच दैट ऑफ द इमर्जिंग मार्केट ठीक है यानी कह रहा है कि ओवरऑल सिक्सटीन परसेंट आपका क्या है कि हायर ग्रोथ देखने को मिल रहा है बस सिर्फ और सिर्फ सिक्सटीन परसेंट ठीक है चैलेंजेस क्या है तो चैलेंजेस हैं कि नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर को यानी कह सकते हो कि नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में चैलेंजेस हैं बहुत ज़्यादा क्योंकि लोग अब नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिल रहा है ठीक है उसके चैलेंजेस ये भी हैं नॉन एग्रीकल्चर में जो कह रहा है कि अनसपोर्टिव इंस्टीट्यूशनल है ठीक है इकनॉमिक इन्वामेंट है जो अनसपोर्टिव इंस्टीट्यूशनल है और इकनॉमिक इन्वामेंट है देखने को मिल रहा है नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में इसलिए ठीक है अब देखिए खो क्या कह रहा है कि देखिए बहुत सारा जो स्कीम आता है ना सरकार जो है वो एग्रीकल्चर में तो लाती है लेकिन नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर इन कंपेरिजन टू नॉन एग्रीकल्चर सरकार बहुत कम लाती है ठीक है इसलिए देखने को मिल रहा है ठीक है और आगे ये रिकमेंड करता है वर्ल्ड बैंक कि देखिए जो फास्टर जॉब ग्रोथ अगर देखने को मिलेगा जिसमें क्या होगा वुमेन पार्टिसिपेशन को ज़्यादा ध्यान में रखा जाना चाहिए इकोनॉमिक में ठीक है और कहा जा रहा है कि आप ट्रेड ओपननेस इंक्रीज कीजिए और एजुकेशन इम्प्रूव कीजिए ठीक है तीन चीज़ आपको देखिए यहाँ पर रिकमेंड किया वर्ल्ड बैंक पहला कह रहा है आपको कि वुमेन पार्टिसिपेशन को बहुत ज़्यादा दिए इकोनॉमिक जॉब एम्प्लॉयमेंट में लाइए इकोनॉमिक इंक्रीजिंग में वुमेन पार्टिसिपेशन को दूसरा क्या कह रहा है इंक्रीजिंग ट्रेड ओपननेस लाइए ठीक है व्यापार को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दीजिए तो तीसरा कह रहा है आपका इंप्रूविंग एजुकेशन यानी शिक्षा को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है ठीक है तो ये वर्ल्ड बैंक ने कहा है? चलते हैं हम अपने नेक्स्ट न्यूज़ पर देखिए देखिए ये जो आर्टिकल है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है देखिए क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो पतंजलि के जो कह सकते हो ओनर हैं बाबा रामदेव जी उनको क्या कह सकते हो उनको बहुत ही एक तरह से कोर्ट में बुला करके उनको स, एक तरह से कह सकते हो कि डाटा है और साथ ही साथ आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट से सेंट्रल से, गवर्नमेंट से एक क्वेश्चन पूछा है कि आप इस चीज़ को एड्रेस की क्यों नहीं कर रहे थे जब ये पतंजलि जो आयुर्वेदिक है ये क्लेम कर रहे थे कि कोविड नाइन्टीन इनके जो बताए हुए इनके जो निकाली हुई दवाई है उनसे क्योर होता है ठीक हो रहा है उस समय आप इस चीज़ को क्यों नहीं एड्रेस कर रहे थे क्यों इसको रोक नहीं रहे थे ठीक है जिन्होंने जैसे देखिए आप देखिएगा कि 2020-21 में जब कोविड आई थी तो उसके बाद क्या हुआ था कि राम पतंजलि के द्वारा रामदेव बाबा के द्वारा क्या हुआ था एक कोरोना निकाली गई थी ठीक है दवाई और उन्होंने ये क्लेम किया था कि इससे कोविड नाइन्टीन ठीक हो जाएगी ठीक है नहीं कोविड ठीक हो जाएगी ठीक है तो ये सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन कर रहा है सरकार से कि आपने क्वेश्चन क्यों नहीं किया था ठीक है और डिटेल में एफिडेविट मांगा है जिसमें ये कहा गया कि आप ये बताइए कि आप जो कोविड के टाइम पे पतंजलि का जो मैनेजमेंट एफर्ट था वो कैसा था ये इनसे कितने लोगों ने क्या प्रभाव हुआ ये पूरा रिपोर्ट मांगा और कहा है साथ साथ में बाबा रामदेव को कि आप मिसलीडिंग नहीं कीजिए और ऐसा मिसलीड ऐड करके दवाइयाँ बेचना बंद कीजिए ठीक है और ये आपके अगेंस्ट में आता है जो ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडी एक्ट है उसके अगेंस्ट में आता है ठीक है तो बेसिकली इन्होंने ये कहा है कि ये कि पतंजलि को और सरकार से ये क्वेश्चन पूछा है ठीक है तो ये रहा आज का न्यूज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा पढ़ते लिखते रहिए धन्यवाद और फिर फ्री टू आस्क एनी इन कमेंट सेक्शन अगर कोई प्रॉब्लम है तो तब तक के लिए धन्यवाद बाय